है तो आप लोग जरूर देखेगा, लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ये फिल्म देखें। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि कई बार कुछ फिल्म ऐसी होती है, कुछ स्टोरी इस तरह की होती है, कुछ फिल्म का सेटअप इस तरह का होता है, इतना बढ़िया होता है, सिर्फ उसके आप अगर एक छोटा सा भी रोल कर रहे हैं और उस फिल्म से अगर आप जुड़े हैं किसी भी तरह से, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे अगर आपने एक फिल्म की है और वो अगर आपके आपके पोर्टफोलियो में अगर आती है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। मैं ये कहूँगा कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये फिल्म जो बनी है, जिस तरह का सेटअप है, राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डायरेक्टर टू राइटर टू एक्टर्स, तो इसका मैं भाग बनाऊँ ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सो थैंक यू वेरी मच राजू भाई कि आपने इस तरह की फिल्म प्रोड्यूस की, एंड थैंक यू धर्मेश सर कि आपने ये फिल्म डायरेक्ट की। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स आपने एक साथ में लिए हैं, टेक्नीशियन इतने अच्छे लिए हैं और एक इतनी उम्दा फिल्म आपने बनाई है। एंड आई एम डैम श्योर, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई विश, आई एम डैम श्योर कि ये फिल्म लोगों को बहुत